तो गाइस फाइनली मम्मी की 4 से 5 दिन की मेहनत के बाद बच्चा उठ खड़ा हुआ है और जा रहा है स्कूल। बेटे आपकी मम्मी गाइस एक मिनट गाइस तो ठीक है, नमस्ते कौन करेगा? नमस्ते। नहीं ये बंदा भी वापस आ चुका है। भगवान मेरे ऊपर स्टेप कर दिया बेटा आपने, मेरा पैर कुचल दिया। But if you guys know what football cards are, I got it out of a party bag and I got Edison. ठीक है चलो, सारे नु समझ आ गया। ये लो डार्लिंग, जल्दी छोड़ के आओ, फिर बीवी को भी छोड़ना है आपने। Okay. आए बीवी को छोड़ने के लिए तो आप बहुत तैयार हो। बीवी को आज मैं छोड़ने आया हूँ बड़े दिनों के बाद। अभी how many days after how many days we are meeting? Like 4 days, yeah. Me and you. Yeah, you were sleeping last night when I came. Yeah. And daddy got Pokemon cards for me. I showed him in a vlog. Yeah. And I got out like these really cool ones. And Abir, we have 3 days holidays after this. It's a bank holiday on Monday. We're gonna go for bike ride, okay? Oh my god. तुम पहले ठीक तो हो जाओ बेटा। चलो, let's go to school. Jacket दे। मुझे नहीं चाहिए जैकेट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मस्त भैया कुछ थे। जैकेट का है? मुझे कार्ड भी नहीं चाहिए। Can I please start my vlog, darling? पता है मैं आपको क्या बताऊं, अब आप लोग कहोगे कि आप सौरभ भैया के बारे में तो कुछ मत बोलो। मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मैंने खाना वाला नहीं, नहीं मुझे मुझे पैसे चाहिए। कार्ड रख के जाओ, यू शुड हैव समथिंग। आर यू सिली? आई हैव यू। यू हैव नथिंग। अभी कभी वापस ले बर्ड्स, कभी ऐसे नहीं बोलते सुबह सुबह। लाइक यू मी आई एम नथिंग, मतलब क्या बोल रहे हो यार, क्या हो रहा है? ये रियलिटी है, ठीक है? ये रियलिटी है, मैं एडिट भी नहीं करूंगी। तुम लेट हो, तुम बहुत कुछ हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, दुनिया पता। आई हाय कर रहा, गाइस आई मीन इट, ओए ओए कर रहा हूं, आई हाय नहीं कर रहा हूं, ओए होए क्या बात है। हे गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग, पूरी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हैं सूरी फैमिली अपना व्लॉग। सब घुस जाए इसके अंदर ही, ऐसे चिल्ला के एकदम। गाइस आज मैं जा रही हूँ अपने टेस्ट पे। पता है जब मैं स्ट्रेस होती हूँ, स्ट्रेस इन द सेंस की वरीड होती हूँ, मुझे पता है आज आज लगने वाली है, ठीक है? अरे यार ये सूरज, वैसे तो आप बहुत अच्छी बात है सूरज जी आप आए हो, लेकिन मेरी स्किन एकदम से वेज, मैं चश्मा गॉन। आप जरा खिड़कियां बंद कर लेंगे, शाशा की आवाज आती है जो ब्लॉग बनता है, सब बंद ही है। सो दिस इज बेटर नाउ। अगर मेरी स्किन थोड़ी सी ऐसे वैसे आ रही हो, क्योंकि वो सन के कारण थोड़ा बर्निंग इफेक्ट आ रहा है। हाउएवर गाइस मैं जा रही हूँ कॉलेज और आज है मेरा एग्जाम। तैयारी तो बहन ने पूरी करी है, इसीलिए ब्लॉग नहीं आया मेरा, ठीक है? एक दिन बीच में, मतलब कल ही नहीं आया था। हाँ बट एनीवे तो मैं जा रही हूँ और बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मैं पास हो जाऊँ एग्जाम में। उन्हें तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने पप्पी भी बोला बाय द गॉड ऑफ ग्रेस। वैसे गॉड ऑफ ग्रेस भी बुरा बुरी बात नहीं है, नहीं इंग्लिश ठीक नहीं बैठती। हाँ ग्रेस ऑफ गॉड मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, ठीक है? मैंने कहा ना मैं जब परेशान इन द सेंस जब मैं वरीड होती हूँ, मतलब कि जब मुझे लगता होता है आज तो भैया लगेगी, तब मेरे मुंह से ना लव्स कुछ इस तरह से ही निकलते हैं। बाकी मैं जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, मेरे बहुत काम पड़े हैं अभी, थी मैं कोई छुट्टी पे नहीं। अगर बहनों चलते हैं कॉलेज, धावा बोलते हैं। सो आई एम एट कॉलेज नाउ एंड टुडे आई एम गोना हैव लेयर्स ऑन माय हेयर। तो क्या होता है कि वी ऑल प्रैक्टिस ऑन ईच अदर हेयर, सो आई एम आस्क माय कोलीग इफ शी वांट्स शी कैन प्रैक्टिस ऑन माय हेयर एंड आई रियली वांटेड टू हैव अ यू नो लॉन्ग लेयर कट, वी कॉल इट लॉन्ग ग्रेजुएशन। तो पीपल हु आर फ्रॉम हेयर इंडस्ट्री दे माइट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इन शॉर्ट मैं लेयर्स करवा रही हूँ और देखते हैं मेरे बालों के लेयर्स कैसी लगेंगी। तो मैंने अपनी कोलीग को बोला है कि जितना हो सके कम बाल काटना, वैसे मेरे सर पे बाल बहुत कम है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो हियर यू गो गाइस माय न्यू लुक। सो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा नया लुक, थैंक यू सो मच, आई लव इट। शी लुक्स हैप्पी। I am. I'm very happy. So guys, I'm going for my exam. तो अभी क्लासरूम में एक एग्जाम हुआ है,
उसमें तो मतलब कि मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक थे, ठीक है, 21 क्वेश्चंस थे, मैं 21 का सही आंसर दिया. अब बाकी एग्जाम में पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेट्स सी, चलते हैं. अभी थोड़े बालों का ना वो मतलब कि जो लुक है वो अभी एकदम से आ नहीं रहा है, अभी सेट करूँगी मैं, ठीक है. तो हाँ जी जी, खुशखबरी है, मैंने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो आई पास द टेस्ट, तो बहुत अच्छी बात है. तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. मैं एक्चुअली ना बहुत गलत जगह पे खड़ी हूँ, तो मैंने लेयर्स करवाई हैं अपने बालों में. मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही थी जब मैं बाल कटवा रही थी ना, क्योंकि बाल बढ़ाने तो बड़े मुश्किल होते हैं, कटवाने बड़े आसान होते हैं. तो मैं उस लड़की को बोली जा रही थी कि तुम ना बस थोड़े थोड़े काटना, थोड़े थोड़े काटना. बट शी डिड अ गुड जॉब, आई रियली लाइक इट. मेरा वो जो डायसन का एयर रैप नहीं है, आई कांट वेट टू सेट अप माई हेयर विद दैट. तो देखते हैं वो डायसन वाला कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने बड़ी वीडियोज देखी हैं यूट्यूब वगैरह पर, लोग वो जब लेयर्स करवाते हैं तो डायसन से सेटअप करते हैं. तो मैं भी ट्राई करूंगी और आपको दिखाऊंगी. बाकी देखते हैं, सुई साहब बाहर आ चुके होंगे मुझे लेने के लिए. अरे यहाँ पर भी आ रही है, फेस के ऊपर ना मेरे वो आ रही है, एक चिट्स लगी हुई है यहाँ पे, तो उसकी शेडो आ रही है. ये देखो बाल कटवाए और हवा आ गई, क्या लुक देखेंगे सूरी साहब. यार एक बात बताओ, बींग अ हेयर ड्रेसर, मतलब कि अभी पूरी तरह से बनी नहीं हूँ, बन जाऊँगी लेकिन बहुत जल्द. बींग अ हेयर ड्रेसर, मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, जब हम बाल कटवाते हैं सलोन में, तब तो हम सारे दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट लग रहे होते हैं, जैसे ही सलोन से बाहर निकलते हैं असली रूप आने में 2 मिनट नहीं लगते, क्या कहते हो? अब देखो लग ही नहीं रहा मैंने बाल कटवाए हैं. हे भगवान, एक तो यूके की हवा, एक हाथ में इतना कुछ पकड़ा हुआ है, एक हाथ में फोन है, बाल हटा ही नहीं पा रही हूँ. या चलो, तय ये हुआ है कि मुझे अभी के स्कूल के बाहर मिलना है सौरभ को, और फिर हम जा रहे हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में. जाओ. ओ, कौन आ गया? हम लोग आ चुके हैं एक जूस की दुकान पर, एक्चुअली कैफे है टू वेज करके, बट इन्होंने फ्रेश जूसेस करने शुरू कर दिए. और यहाँ पर आपका प्यारा, हम सब का राज दुलारा सूरी बैठा हुआ है और जूस का वेट कर रहा है. चश्मा उतार सकता है, गोरियां बिल्कुल नहीं देख रही हैं, कोई भाव नहीं दे रहा तुझे, कोई नहीं दे रहा. गाइस मैं आपको फटाफट से सारे दिखा देती हूँ, ठीक है. सारे अपनी अपनी गल्लां च मसूफ है. हाँ जी अभी सूरी जी, कैसा लग रहा है घर वापस आके? हाउ वाज स्कूल टुडे? गुड. So we met your teacher. We have to work on vocabulary and reading. बाकी सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, ठीक है. She has shown us that you have written adventure story. Yeah. About dinosaur. Baba dinosaur, but someone goes and finds the dinosaur. Yeah, someone go and find the dinosaur. That was really nice. Very good. Well done. Mummy, one of us is coming. There's baby bump coming. Yes, three of them are coming. So baby bump भी आ रहा है, भानु उर्वशी भी आ रहे हैं. Daddy, are you excited for the weekend? I'm always excited for the weekend. कल फिर दोबारा से भंडारा बनेगा. तो फिर वो उनका बनाने टेबल है, उनका बना लिया. बस अभी बैठ के बना रही हूँ. आज हमने अबीर को KFC लाकर दिया, because he's feeling much better now. I know कि that's a treat actually. Yeah, seriously. रो रो के दिमाग खराब कर रखा था इसने हमारा. Yeah. Well done. Hey, Mama, orange belt give to school. तो मैं आपको ऑरेंज बेल्ट दे दूंगी, आप स्कूल वापस ले जाना, ठीक है? ओके. तो बस बहन आ चुकी है नहा कर, सच में सर धो लिया मैंने. मैं आप खुद ये बाल सेट करके उठाऊंगी. हाँ क्यों नहीं खाएंगे, अपने सेट करूंगी. एयर डोसा आ चुका है. लेट मी कम्प्लीट, दिस इज माई चैनल. तो क्या हम यहाँ पे क्या फ्री में ना, ना, बुरा मान के कंटेंट कितना आएगा. ना 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 आना आना तुसी ले लो, आप ले लो. नहीं आप नहीं, आप ले लो. नहीं जी आप ले लो, आप ही का चैनल. क्लैप तू यूज नहीं करती हो, जो लड़कियां ऐसे लेके खड़ी होती है उनकी फ्लिक्स ऐसे चली जाती है पीछे. कल ही होने वो. हाँ तो मैंने अपने बाल आज कटवाए हैं ना उसी चक्कर में. अच्छा अच्छा. और अभी वो जो बन रहे हैं चीजें वो सब बनेगी. भैया हमारे कीटो पे है तो उनके लिए बनना है सारा कीटो वाला खाना. भैया अपनी रोटी अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि वो कीटो वाली रोटी खाता है. तो वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा तो अपनी रोटी अपने साथ ले आई हो. हाँ कैसे है ना, किसी घर जा रहे हैं अपनी रोटी लेके जा रहे हैं. मैं रोटी मैं अपनी रोटी लाया हूँ. हम तुम्हें नहीं देंगे लेकिन.
भाई यूके में ना कुछ भी हो सकता है सीरियसली, यहाँ फॉर्मेलिटियां वॉर्मेलिटियां होती ही नहीं है। एनीवे anyway, तो कल बनेंगे अच्छे अच्छे खाने, फिलहाल खाना आ चुका है। आज हम खाएंगे डोसा खाना, पप्पू डोसा। चलो ठीक है, हम खाते हैं पप्पू डोसा, डोसा डोसा पप्पू डोसा, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं अपना इधर बाल बाल भी खोल के आती हूँ, आराम से बैठ के खाएंगे पप्पू डोसा, साथ में देखेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज, और फिर करेंगे बहुत सारी चीजों की अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ। तो फाइनली अभी अभी मैंने अपने बालों को स्टाइल करा है अपने एयर रैप से, एंड आई एक्चुअली लाइकिंग दिस हेयर कट, क्योंकि एयर रैप से इस हेयर कट को मेंटेन करना बड़ा आसान है, और अब मुझे रोज रोज यू नो स्ट्रेटनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज एयर रैप एक तो बालों के लिए बहुत अच्छा है, सेकेंड थिंग यू नो 2 मिनट के अंदर ही बाल सेट हो रहे हैं, सो आई रियली लाइक इट। मैं सोने से पहले एक बार करके जरूर सोऊंगी, यू नो मैंने अभी अभी बाल धोए थे, और जैसे बाल मेरे सूखे मैंने कहा सबसे पहले ये करते हैं, जस्ट ट्राई इट आउट यू नो। तो कल अगर मैं ड्रेस वगैरह पहनूं तो लेट्स सी कैसा लगेगा, इट लुक्स नाइस, आई लाइक इट। एनीवे मेरे बाल ना वैसे ही बहुत फाइन है, बहुत थिन है, तो इतना वॉल्यूम नहीं है मेरे बालों के अंदर, बट या बैक कॉम्बिंग वगैरह करके ना आई कैन गिव वॉल्यूम टू माई हेयर, बट ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। अभी फिलहाल करते हैं अनबॉक्सिंग। तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, कुछ चीजें मंगवाई हैं, आपके साथ करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं जाती हूँ चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने नाइट सूट के अंदर पोचे वोचे मारे हैं घर में, तो मैंने कहा चेंज वेंज कर लेते हैं, चेंज करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। पता मुझे लाउंज एरिया कंप्लीट करना है, अभी तक हमारा लाउंज बना ही नहीं है। सच में यार दिन में इतनी सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें एक बार में नहीं हो पाती सीरियसली। मुझे ये जो टीवी है ना इसके आसपास एक फ्रेम बनवाना है, यहाँ पर आई वॉन्ट टू मेक सम यू नो नाइस वो नहीं होती शोकेस कैबिनेट, वो बनवानी है मुझे। एनीवे देखते हैं कब होगा ये सारा काम। तो मैंने 2 टेबल ऑर्डर करे हैं कॉफी टेबल, एक अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर के। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा अभी कुछ 2-3 ब्लॉग्स पहले मैंने ग्रे कलर की चेयर्स की अनबॉक्सिंग करी थी, तो उन दोनों ग्रे चेयर्स के बीच में ये वाला टेबल जाएगा जो मैं अभी अनबॉक्स करने वाली हूँ। ये ऐसे आया है टेबल, ये टेबल है, भाई बन गया टेबल, बन गया। हाँ तुम्हारा बेटा यहाँ कॉन्फेटी बना रहा है। भाई कॉन्फेटी छोड़ो, टेबल दिखाओ भाई हमारा। ये रहा टेबल, गाइस टेबल बन चुका है। अभी मॉन मेरा अभी ग्लास का टेबल है बेटा, इसके नीचे बेस जो है ना वो मिरर का है। चलो दूसरा टेबल बनाते हैं फटाफट से। ना करूं तो प्रॉब्लम, घर बनाऊं भी खरीदो, लाइक खरीदो। हमने भी सेंटर करा है, लेकिन बचपन के बाद आप कुछ अच्छे वर्ड्स भी सीखते हो। शादी हो जाती है आपकी ना उसके बाद। चल ना बोलना जल्दी कर, तो शाम के बज रहे हैं कुछ 7। जी हाँ 7 बजे भी, यहाँ पर अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है, आई होप कि बारिश ना आए। तो मैंने कहा फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि जो टेबल मैं अपने स्टडी रूम के लिए लाई हूँ कैसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये जो आप प्लांट देख रहे हो ना इसके लिए मैं गोल्डन पॉट लेके आऊंगी एक अच्छा सा,
लेकिन अभी फिलहाल ये टेबल मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया है, अभी टेबल पर रखने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने ये ऐसे ही छोटी सी एक डेकोरेशन थी वो रख दी है, बट आई विल डेकोरेट इट नाइसली आई थिंक इट, और ये कारपेट भी आई विल चेंज लेटर। तो अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा सा कॉर्नर बन गया स्टडी रूम में, और इसके लिए कवर आएगा रेडिएटर के लिए। तो धीरे धीरे चीजें मैं कर रही हूँ। आई होप यू गाइज लाइक द टेबल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है हमारा ऊपर का लैंडिंग एरिया, और यहाँ पर भी मैंने अपनी चेयर्स रख दी हैं जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, आई थिंक पिछले में नहीं थोड़े दिन पहले एक व्लॉग आया था उसमें दिखाई थी आपको, और यहाँ पर मैंने रख दिया ये वाला टेबल। तो अगेन आई डोंट हैव मच स्टफ टू डेकोरेट इट, बट आई डेकोरेट इट नाइसली। अभी जो कुछ भी था मैंने कहा चलो एक यू नो एक लुक देने के लिए, एक फील देने के लिए ये अच्छा लगेगा। तो वो हमारा गेस्ट रूम है, अभी इसको ठीक करना है, और यहाँ पर ये लैंडिंग एरिया। चलो इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, ठीक है अब सोना है आपको। इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। बेबी कल आएंगे ना, दे विल कम टुमारो नो ना। ओके आपको सोना है बेबी। आई डोंट वांट टू स्लीप। अभी यू हैव टू स्लीप बेबी, 7 o'clock हो रहे हैं, हमें सोना है, ठीक है? जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। डैडी कम्स बैक। डैडी विल कम। सौरभ गया हुआ है जिम, तो अभी जल्दी 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 रूम में, रूम में। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो, एंड नेक्स्ट व्लॉग में तो बहुत धमाल होने वाला है। दोस्त आ रहे हैं, और जैसा कि आपको मालूम है एक उर्वशी प्रेग्नेंट है, सो वी आर रियली रियली यू नो लाइक ऑलवेज, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम। एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लॉन्ग वीकेंड है यूके में, और ये बैंक हॉलीडे वीक है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड अ गुड टाइम विद देम। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, बाय। प्रिंटर भी अनबॉक्स करना है। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।